नमस्कार दोस्तों, अरुण मेहता क्वालिटी टॉक पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी ऑनगोइंग सीरीज जो कि मेरे यूट्यूब पे चल रही है, जिसमें मैं 4 ई कॉमर्स कंपनी के फ्रेश प्रोड्यूस को एनालाइज करता हूं, उसी के अंतर्गत आज मैं एनालाइज करूंगा रेड कैरेट को, लाल गाजर। दोस्तों, लाल गाजर का सीजन अभी शुरू हुआ है और मैंने 4 कंपनियां ब्लिंकिट, ओटीपी, बीबी नाउ और मिल्क बास्केट से ये गाजर मंगवाई है और इसकी क्वालिटी को हम एनालाइज करते हैं। मेनली ये क्वालिटी एनालाइज करूंगा मैं 4 पैरामीटर पर, फ्रेशनेस के ऊपर, वेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर और ओवरऑल क्वालिटी और प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। तो दोस्तों, ये जो गाजर आप देख रहे हैं ये ब्लिंकिट की है, लिफाफे के अंदर पैक है। इस गाजर को सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेशनेस। तो फ्रेशनेस के लिए मैं इसको निकालना पड़ेगा, ये मैंने निकाल लिया। ये देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी गाजर है, फ्रेश दिख रही है, कोई कमी नहीं नजर आ रही। अब हम देखते हैं दोस्तों ओटीपी की। ओटीपी की गाजर भी एक लिफाफे में पैक है। देखिए, आपके सामने मैं इसका सील तोड़ रहा हूं। ये देखिए, ये ओटीपी की गाजर है और इसमें ये आपके सामने मैंने गाजर निकाली है। 2-3 गाजर बहुत ही पतली हैं, 2 ठीक हैं। फ्रेशनेस में सारी गाजर खोलने के बाद में बताऊंगा। ये गाजर है बीबी नाउ की, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंपोर्टेड नेट बैग में पैक किया है। इसको मैं काट देता हूं और काट के हम देखते हैं इसकी गाजर की क्वालिटी क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये गाजर मैंने निकाली है, ये देखने से ही अच्छी नहीं लग रही है, फ्रेशनेस की कमी है, लाल कलर भी पूरा नहीं है और ये देखिए बासी लग रही है बिल्कुल। अब दोस्तों, मैं निकालता हूं गाजर मिल्क बास्केट की, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पॉलिथीन पैक में पैक किया है। इसको मैं काट लेता हूं और निकाल के देखता हूं इसकी गाजर की फ्रेशनेस क्या है। देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाली इसकी गाजर। इसकी गाजर भी मुझे फ्रेशनेस में सिर्फ ओके लग रही है, ये इसकी गाजर है। अब मैं ओवरऑल फ्रेशनेस देखता हूं दोस्तों, किसकी फ्रेशनेस बेस्ट है। फ्रेशनेस में दोस्तों जो गाजर मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है वो है ब्लिंकिट की। तो ब्लिंकिट में मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं और बाकी सभी की फ्रेशनेस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो बाकी सभी को मैं 8 नंबर देता हूं। अब दोस्तों, हम करेंगे इसका वेट चेक। वेट मैंने ब्लिंकिट से 500 ग्राम मंगाया था, इसको हम तोल के देख लेते हैं। इसको मैंने 0 कर लिया और इसका वेट है दोस्तों 619 ग्राम। तो जितना मंगाया था उससे 119 ग्राम ज्यादा है, किसी तरह कोई इशू नहीं है, 10 में से 10 मार्क्स। दोस्तों, अब हम तोलते हैं ओटीपी की गाजर। ओटीपी की गाजर मैंने 500 ग्राम मंगाई थी, उन्होंने 461 ग्राम सप्लाई की है और कुछ पैसा रिफंड किया है। अब मैं इसको तोल के देखता हूं इसका वजन क्या है। दोस्तों इसका वजन आ रहा है 417 ग्राम, यानी 461 से 417 ग्राम, लगभग 45 ग्राम गाजर कम है दोस्तों लगातार। ये शायद 10वां आइटम है, 12-13 आइटम मैंने एनालाइज की हैं, उसमें से 10 आइटम में अभी तक ओटीपी में मुझे वेट कम मिला है। आज फिर दोबारा
गाजर के अंदर मुझे इसका वेट कम मिला है, 461 ग्राम के अगेंस्ट 417 ग्राम। दोस्तों मैं रोज इसके बारे में बता रहा हूं कंपनीज को कि वेट कम देना एक इलीगल चीज है और कस्टमर के साथ ये चीटिंग है। वेट कम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई सोना चांदी नहीं है, सब्जी है, सब्जी में मॉइस्चर लॉस होता है, वजन कम होता है और जो कस्टमर मंगा रहा है उससे 5-10 ग्राम वजन ज्यादा देना चाहिए, 5% ज्यादा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लगातार मेरे कहने के बाद, समझाने के बाद मुझे लगता है ये वीडियो मेरा OTP के लोग नहीं देख रहे हैं। अगर वो देख रहे होते तो अब तक मैं रोजाना इसके बारे में बताता हूँ, इस पर एक्शन ले लिया होता, लेकिन आज फिर OTP का वेट कम मिला है 417 ग्राम, तो इसको मैं 8 नंबर देता हूँ। दोस्तों अगला है बीबी नाव को मैं तोलता हूँ। बीबी नाव का मैंने 500 ग्राम मंगाया था और ये वजन आया 472 ग्राम, तो बीबी नाव का वजन भी कम मिला है दोस्तों, जो कि बिल्कुल नाजायज है, गलत है, कस्टमर के साथ धोखा है। तो बीबी नाव का वजन भी OTP की तरह कम है, इसको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। अब मैं तोलता हूं दोस्तों मिल्क बास्केट। ये मिल्क बास्केट का वजन अक्सर ठीक मिलता है क्योंकि ये पॉलीथीन में पैक करते हैं जिसमें मॉइस्चर लॉस नहीं होता है। इसका वजन दोस्तों आया 517 ग्राम, 500 ग्राम मैंने मंगाया था तो ये वजन ठीक है, बल्कि ज्यादा ही है, तो इसको 10 में से 10 मार्क। तो दोस्तों आज मिल्क बास्केट का और ब्लिंकिट का वजन ठीक मिला, बल्कि जो मंगाया था उससे ज्यादा मिला, लेकिन OTP का बीबी नाव का वजन कम मिला, जो कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम चेक करते हैं अगला पैरामीटर प्राइस। प्राइस मैंने नोट करके पहले से ही रखा हुआ है, मैं आपको बता दूं किसका प्राइस कम है किसका ज्यादा है। ब्लिंकिट का प्राइस 500 ग्राम का 26 रुपए था, तो मैंने केजी का प्राइस निकाला है तो ये 52 रुपए केजी बैठता है। OTP का प्राइस 500 ग्राम का 19 रुपए था, तो 1 केजी का रेट 38 रुपए बैठता है। बीबी नाव का प्राइस 500 ग्राम का 28 रुपए 18 पैसे था, जो कि 1 किलो का रेट लगाए तो 56 रुपए 36 पैसे बैठता है। इसी तरह मिल्क बास्केट का प्राइस 500 ग्राम का 29 रुपए था, तो उसको केजी का रेट निकालने तो 58 रुपए केजी बैठता है। तो प्राइस में जो सबसे कम प्राइस है दोस्तों वो है OTP का। OTP का रेट 38 रुपए केजी है, और जबकि आप देखिए सबसे हाईएस्ट प्राइस है मिल्क बास्केट का, जो कि 58 रुपए केजी है, लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा। प्राइस, प्रॉपर प्राइस फिक्स करना, मंडी के होलसेल प्राइस के पैरेलल दाम लगाना अपना मुनाफा लेने के बाद, ये कंपनीज को करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये कंपनीज का प्रिक्योरमेंट ठीक नहीं है। 58 रुपीज केजी गाजर दोस्तों मिल्क बास्केट की हाईएस्ट, और OTP 38 रुपए केजी, कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तो अगर कस्टमर सुन रहे हैं तो देख लीजिए, आप जब भी कोई सब्जी खरीदते हैं, मेरी कस्टमर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी का प्राइस चेक करें। आप OTP के ऐप में भी जाएं, ब्लिंकिट के ऐप में भी जाएं, बीबी नाउ के में भी जाएं और मिल्क बास्केट में भी जाएं, और जिसका प्राइस आपको कम नजर आए आप उसी से माल मंगाइए। तो यहां देख लीजिए बहुत फर्क है दोस्तों, OTP का प्राइस 38 रुपए केजी और मिल्क बास्केट का प्राइस 58 रुपए केजी। इसके अलावा बीबी नाव और ब्लिंकिट का प्राइस भी काफी ज्यादा है, उनका रेट 56 रुपए और 52 रुपए है, तो ज्यादा फर्क नहीं है मिल्क बास्केट से, सिर्फ OTP का प्राइस कम है। तो दोस्तों अब प्राइस के बाद हम चेक करते हैं साइज। साइज दोस्तों चूंकि ये गाजर हलवे की गाजर नहीं है, हलवे की गाजर तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये खाने की सलाद की गाजर है, तो इसका साइज मीडियम होना चाहिए, इसका साइज ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इसका जो साइज है 25 mm डायमीटर, जनरली नीचे से नापा जाता है, 25 mm से
40 mm तक का साइज होना चाहिए। तो ये देखिए 25 mm तक है और ये 40 तक है, और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये गाजर है बहुत पतली है, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। ये ब्लिंकिट की गाजर है, इसमें साइज जो है मुझे लगभग सभी का ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये गाजर जो बीबी नाव की है वो ठीक नहीं लग रही है। इसका देखिए साइज, इसमें नोड्स हैं, सरफेस पे नोड्स हैं, नीचे से बहुत मोटी है। एक ये टूटी हुई गाजर भी इन्होंने दी हुई है, तो साइज बीबी नाव का प्रॉपर नहीं है। तो बीबी नाव को साइज में सबसे कम नंबर यानी 2 नंबर मिलते हैं, और उसके बाद मिल्क बास्केट को 3 नंबर मिलते हैं, और OTP का कुछ साइज बहुत पतला है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, और सबसे ठीक साइज ब्लिंकिट का है जिसे 5 में से 5 नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों कलर चेक कर लेते हैं। कलर और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे पहले कि मैं आप कलर चेक करूं, मैं आपको बता दूं व्हाट इज अ कस्टमर एक्सपेक्टेशन इन कैरेट। कस्टमर गाजर में क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है गाजर क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, मुड़ी हुई या टेढ़ी मेढ़ी मिसशेप नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कट क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाजर जमीन के अंदर पैदा होती है तो उसमें कुछ कट क्रैक हो सकते हैं, तो वो उनको सॉर्टिंग करके निकाल देने चाहिए। इसके ऊपर ये सेकेंडरी रूट्स हैं दोस्तों, ये नोड्स हैं, नोड नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर जो बाल हैं वो नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह से सफाई हो, क्लीन हो बिल्कुल, कोई मड ना हो, साफ हो। और इसका जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों वो भी अटैच रहना चाहिए, ग्रीन जो इसका एंड है। कई लोग इसको काट देते हैं, देखिए ये कटा हुआ है, कटा हुआ भी ठीक नहीं है, ज्यादातर लोगों ने काट रखा है, तो कटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, ये कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। अब मैं अगर कलर देखता हूं, मुझे सबसे बेहतरीन कलर दोस्तों ब्लिंकिट का नजर आ रहा है, तो ब्लिंकिट को मैं 5 में से 5 नंबर देता हूं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे जो कलर दिख रहा है दोस्तों वो दिख रहा है OTP का, OTP को 4 नंबर मिलते हैं, और थर्ड नंबर पे जो दिख रहा है मुझे मिल्क बास्केट का है उसको 3 नंबर, और सबसे बेकार, सबसे बेहद बेकार कलर जो है हल्का फेडेड पीले रंग का मिल रहा है बीबी नाव को, इसको मैं देता हूं 2 में से 5 में से 2 नंबर। अब हम चेक करते हैं आखिरी पैरामीटर क्वालिटी का। क्वालिटी में जैसे मैंने कहा इसमें किस तरह को कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, साफ होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लाल कलर हो, अच्छी तरह क्लीन हो, इसमें कोई सेकेंडरी रूट्स ना हो, नोड्स ना हो, प्रॉपर पीछे से ट्रिम की हुई हो, कोई इसमें गांठे ना हो, और टेंडर होनी चाहिए, पकी हुई नहीं होनी चाहिए। तो क्वालिटी में देख रहा हूं, तो सबसे पहले ब्लिंकिट की चेक करते हैं। तो ब्लिंकिट की गाजर साफ दिख रही है मुझे, इसमें कोई इशू नहीं है। ब्लिंकिट की गाजर को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं। दूसरी है OTP की गाजर, इसमें एक गाजर ठीक है, दूसरी में बहुत सारे देख रहे हैं सेकेंडरी रूट्स हैं जो निकाले नहीं हुए हैं, धागे धागे, और 2 गाजर बहुत ही पतली हैं। तो इसको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं, तो 10 में से 8 नंबर मिलते हैं OTP को। और अब देखते हैं बीबी नाव की क्वालिटी बहुत ही खराब है। देखिए दोस्तों बिल्कुल स्टेल है, जैसे गाय भैंसे खाती हैं, जिसे गांठे हैं, साफ नहीं है, बिल्कुल खराब क्वालिटी की है। इसके ऊपर भी देखिए क्या लगा हुआ है, पीली पीली सी गाजर है, ये आधी कटी हुई गाजर है, बिल्कुल खराब क्वालिटी की गाजर है। इसको मैं, मेरा बस चले तो 0 नंबर दूं, लेकिन मेरे मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, मैं इसको मिनिमम 6 नंबर दे सकता हूं, लेकिन ये क्वालिटी 0 नंबर के लायक है। मिल्क बास्केट की क्वालिटी, ये गाजर में एक रॉटन स्पॉट नजर आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं,
बाकी इसकी गाजर ठीक हैं, एक गाजर टेढ़ी है, तो इसकी गाजर को भी मुझे 8 नंबर देने पड़ेंगे। दोस्तों अब सारे पैरामीटर चेक हो गए, अब अपन देखते हैं कि आज का विनर कौन है, सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं। सबसे पहले ब्रिंकिट का टोटल करते हैं, 10 और 10 20, 20 और 10 30 और 10 40, 49 मार्क्स। OTP का टोटल करते हैं, 8, 8, 16 और 10, 26 और 4, 30 और 38 और 4, 42 मार्क्स। BB9 का टोटल करते हैं, 8 और 8, 16, 8, 24 और 6, 30 और 4, 34 मार्क्स। बहुत कम मार्क्स हैं दोस्तों। मिल्क बास्केट का टोटल करते हैं, 10, 8, 18 और 7, 25 और 6, 31 और 8, 39 मार्क्स। तो आज का विनर है ब्लिंकिट विद 49 मार्क्स, और सबसे जो फेल है गाजर, सबसे कम मार्क्स हैं बीबी नाव के 34 मार्क्स, और OTP का 42 है, और मिल्क बास्केट का 39 मार्क्स है। दोस्तों ये थी आज की गाजर की एनालिसिस। दोस्तों ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं बिल्कुल न्यूट्रल अनबायस तरीके से अपने एक्सपीरियंस, जो कि मैं इस क्वालिटी लाइन का मुझे बहुत रिच एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे ये मैं बनाता हूँ। इसका मकसद कस्टमर को ये बताना कि कौन सी कंपनी उनको वैल्यू फॉर मनी दे रही है, और कस्टमर को और कंपनीज को ये बताना कि उनके सप्लाई चेन में क्या लेकुना है, उसे कैसे दूर करें, ये मैं ये बताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए। कल मैं आपके सामने एक दूसरे आइटम के साथ पेश होऊंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए और प्रदूषण से बचिए। NCR में प्रदूषण बहुत ही डेंजर लेवल पे है, बाहर ना निकलिए, जब जरूरी हो तभी बाहर जाइए, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में अरुण मेहता क्वालिटी टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।